हमारे भैया भड़क गए, क्या है नोबेल पुरस्कार को है प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी हूँ शामिल। क्या बात, जबरदस्त नाश्ता ना, जबरदस्त नाश्ता खाया हमने आज। सत्य, अहिंसा और अनुशासन। ओके, तो पहला टोल गेट प्लाजा आ चुका है यहाँ पे। ये जो प्यारा सा कैंप साइट है, यहाँ पे आने के लिए कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन पे जाओ, नंबर डायल करो, रजिस्ट्रेशन करो, विजिट करो, बस खत्म। जय कृष्ण, स्टार बना दीजिए। बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पे। सुबह एक नया दोस्त मिला है, नाम रखा है भोकाल। चल भोकाल दौड़, चल चल भोकाल और तेज। क्या बात, बस में प्यारा यार, वहाँ कहीं से सनराइज होगा। और यहाँ पे जेटी लगे सारी की सारी, बाकी आगे यहाँ पे पेड़ पर बंदर पे पिकअप लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे क्राउड ही नहीं था और जेटी पूरा खाली पड़ा था, तो वहाँ पे जेटी जा नहीं रहा था। एटलीस्ट वो 50 लोग को मांगता अपने बोट में बैठने के लिए, वो बोला प्राइवेट ले जाओ, 1000 रुपए दे देना तीन लोग का, आप चले जाओ। लेकिन हम लोग 20 रुपए में जाना चाहते। यहाँ पे पीछे सनराइज हो रहा है, सनराइज दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है, सूरज इतना सा दिख रहा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कोई तेरे को ग्रुप में रखने को रेडी नहीं ना, मैं समझ सकता तेरा फीलिंग, मैं समझ सकता है, टेंशन मत ले, ऐसा ही होता है। तुझे भी, तेरा भी ऐसा ही है, तुझे भी कोई रखना नहीं। सुबह के शहनशाह चाय के साथ इन दोनों की दोस्ती देखना, ये देखो ये देखो। घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर भी जहाँ पे थे वहीं पे ही है। फाइनली जाके कुछ हो रहा है यहाँ पे एक बोट आ गया जो सवारी हमको पहुंचा देगी वहाँ पे ओखा। लाला भाई चाय वाला, यहाँ पे हमारी पहचान हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम यहाँ पे आएंगे मंदिर के पड़ोस में है ना, एकदम विजिट करेंगे जरूर। प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी हूँ शामिल। क्या बात, पीछे की तरफ आ गया है पोर्ट। ये बोट का सफर, ये समंदर की यादें, ये सुबह सुबह का सनराइज, मैं तो बहुत मिस करने वाला हूँ इस जगह को। यहाँ पे ओखा के जब हम निकले थे पिछले कल को, तब यहाँ पे चूरा चिवड़ा करके एक आइटम थी खाने की, वो मिस कर गए। वो जो लारी ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, गर्दी अभी लग रहा है, कल जब आया तब सब खत्म हो गया था। इनकी दो ब्रांचेस, एक यहाँ पे और आगे रेल बैंक के पास है। ऐसा कुछ ये दिखता है, इट्स लुक्स लाइक अ सेव सन राइट। पाव आ गया है, चेवड़ा है, इसमें चना भी है, इट्स लाइक डिलीशियस। रबराड़ी बाप कैसा है, तगड़ा है। इसका ओखा का आइटम चना चेवड़ा, इसको देखो लुक लाइक दिस, उस ऊपर चेवड़ा अंदर चना। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, मैच विद दिस फ्रेश बेकरी का पाव। 50-55 साल से चालू है, 20 पैसा से चालू है। अच्छा 20 पैसा, अभी इसका कितना रुपए? अभी 20 रुपीस, 20 रुपीस का है राइट। नाम याद रखना, हरी भाई भेल वाला। जबरदस्त नाश्ता ना, जबरदस्त नाश्ता खाया हमने आज। दिस अमेजिंग व्यूज एंड दिस ब्यूटीफुल रोड्स, ऐसे ही रोड हमें आज पूरी ट्रिप पे मिलने वाले। आज हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कोस्टल एरिया पार करने वाले। माधवपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी आज कवर होगा। और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत है। उसके लिए समुंदर ही काफी है। टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। सही था एकदम। मेरे वीडियोस तो ऐसे तो मतलब बिहाइंड द सीन्स वाले पूरा रहता है। ये हो गया द्वारकाधीश मंदिर का गेट, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है पोरबंदर का, 103 किलोमीटर। बोलते हैं कि ये रास्ता बड़ा ही ब्यूटीफुल रास्ता है, 4 लेन, अच्छा खासा हाईवे है, रनिंग और 100 का एवरेज स्पीड हम लोग चल रहे हैं। ये इतना सही से जा रहा है गाड़ी, और बाहर की तरफ विंडमिल भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारा अच्छे से विंडमिल। भावनगर 490 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, मतलब अच्छा खासा रास्ता ये वाला, अगर वहां तक मिल गया ना तब तो और मजा आ जाएगा। पवन चक्की लगा हुआ वहाँ पे, ब्यूटीफुल RCC का रोड। ब्यूटीफुल रोड और ये प्यारे नजारे, क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, तो पहला टोल गेट प्लाजा आ चुका है, यहाँ पे टोल अराउंड 90 के आसपास है। फास्ट ट्रैक तो बहुत ही फास्ट काम किया इस बार। रास्ता बहुत ही अच्छा था, और बीच में हम लोग रुके इस ब्रिज के पास जहाँ से हरसिद्धि माता टेम्पल दिखता है। बहुत साल पहले यहाँ पे गया था और अब मेरी इच्छा नहीं यहाँ पे जाने की, दूर तक कोई नहीं मिला और यहाँ तक भी दूर तक कोई नहीं मिला। अगर ये रास्ता आप कोस्टल वाला रहते हो सोमनाथ से पोरबंदर जाने का, यू विल लव इट, इतना बढ़िया रास्ता। दिस विल कॉस्ट अराउंड 190 रुपीस का टोल। लेट्स डू दैट फास्ट टैग। ओके, पापा को मैसेज जाएगा फास्ट टैग का, ये लोग पहुंच गए यहाँ। यहाँ से पोरबंदर लगता है कुछ 20 किलोमीटर के आसपास सेकंड टोल गेट से, एंड इस टोल गेट से टोल गेट के बीच में हमने जयपुर भी देखा, हमने जोधपुर भी देखा, हमने श्रीनगर भी देखा। हम ट्रैवल नहीं कर रहे, हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। पोरबंदर यहाँ से 15 किलोमीटर। चाचा ने बोला क्या? मीडिया से पोरबंदर नहीं है कि बात नहीं की। मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से। जी न्यूज वाले लोगों को साथ में लेके घूम रहे। ये देख यहाँ पे सीगल कितना सारा है,
वैसे तो इसको सिंगल बोलते हैं, लेकिन ये इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं इसको कैटरीना बोलता हूँ। यहाँ पे लोग ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं, पूरा रोड खरीदा, लेकिन जो सिटी है भाई साहब क्या रंगत है सिटी की, इतना बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा भर भर के लोग मिल रहा है। एंड लुक एट दिस इमारत, लुक सो ब्यूटीफुल। मैगी से पहले सैंडविच मिलेगा, ठीक है। मेरा नंबर कब आएगा? पप्पू कब पास होगा? हनुमान गुफा पुलिस चौकी, यहाँ से लगाना है राइट। अच्छा लेडी ड्राइवर, यहाँ पे भी खतरनाक है। अभी हम लोग जा रहे हैं वैसे कीर्ति मंदिर, महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस कीर्ति मंदिर, लेफ्ट साइड। इसको यकीन ही नहीं हो रहा है। इमारतें देखो, अच्छी खासी बड़ी बड़ी इमारतें, और मुझे लगता है यही वाला जगह है। अब यहाँ पे पार्किंग का 100% दिक्कत होने वाला है, तो पार्किंग का जगह नहीं मिलेगा। हम लोग आ गए दोस्तों गांधी जी का चौराहा। गाड़ी कहाँ लगाएंगे? फाइनली जाके वो दिन आ ही गया कि मैंने मास्क पहना और चश्मे भी पहने और हेड भी पहना, क्योंकि आज हम थोड़ा क्राउड के अंदर जा रहे हैं, तो मुझे लगता था ये ज्यादा नेसेसरी था। सो दिस इज द प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स गुड इन इंग्लिश, इट्स इन हिंदी, इट्स ऑल्सो इन गुजराती। वाई पूज्य महात्मा गांधी कीर्ति मंदिर, गेट चरखे वाला, लेट्स गो इनसाइड। मंदिर के एंट्रेंस से यहाँ पे पूरा मैप लगा हुआ है, अगर कहीं पे भी आप गलत जा रहे हो तो ये सारा मैप देख के आप समझ जाओगे कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं। टाइमिंग है 7:30 सुबह से शाम के 7, और ऐसा कुछ अंदर से पहला नजारा। जूते निकाल लिए, लेट्स गो इनसाइड। बहुत सारे फोटोग्राफ्स ग्रुप के साथ, एवरीथिंग अबाउट महात्मा गांधी यू विल फाइंड ओवर हियर, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, फोटोग्राफ, ट्रेन की फोटोज, एवरीथिंग, पोस्टकार्ड्स, हवेली, खेत, टेक्स्ट अपने पोस्टकार्ड्स, बचपन के फोटोज। बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी, अभी मैं जिस गैलरी में खड़ा हूँ वो एक मकान में, और जो मकान है गांधी जी का जन्म हुआ था वही मकान। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मकान है इनसाइड, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर, ये पिलर सही वाले। तो दिस इज हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। लॉक मैकेनिज्म देखो, पुराने वाला, ऐसे बंद ऐसे खुला, दिस डोर पैनल्स आर यूनिक। सीढ़ी देखो एकदम स्टिफ वाला, एकदम ध्यान से ध्यान से ध्यान से। महात्मा गांधी का फोटो है यहाँ पे, और उनके पिताजी और उनकी माता जी का भी फोटो है। बाकी यह पे एक रूम है, और ऊपर की तरफ सीढ़ी मैंने आपको दिखा, और दिस प्लेस इज द प्लेस जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। बाकी दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन टेक अ ब्रेक एंड रीड इट। भैया इतना बड़ा हवेली ओन करने वाले के बेटे गांधी जी एक धोती एक कपड़े में पूरा देश को आजाद चल निकले थे करने के लिए। वो मैं भी मोदी था ना, वैसे मैं भी महात्मा। यही सारे पेंटिंग्स और यहाँ पे संग्रहालय और सबको सब कुछ तो आपको दिखाई दिया, बाकी ज्यादातर आप आओ तब देख लेना यहाँ पे आके पर्सनल विजिट, ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में होता। देश आजाद करने के बाद गांधी जी यहाँ पे खड़े रखे गए और अभी तक खड़े ही हैं। हमारे भैया भड़क गए, क्या है, नोबेल पुरस्कार को है। दिस गेट्स ओवर हियर, ओवर देयर, ओवर हियर आल्सो, और यस दिस ब्यूटीफुल पोरबंदर। हम लोग ना ये मार्केट में से निकल रहे हैं, हम जानबूझ के मार्केट से चल के निकल रहे हैं, और सौरव जो जी न्यूज से उसको बड़ा अटेंशन मिल रहा है उसके सेटअप की वजह से। अपने सेटअप पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखे, एवरीबॉडी इज लाइक ये सेल्फी क्लिक कर रहा होगा राइट। तो चीजें पुरानी, इसका मतलब ये है कि पोरबंदर आगे ही नहीं बढ़ा है। टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक बढ़ा है, लेकिन आर्किटेक्ट में तो वहीं पे है। सुदामापुरी यात्रा था, बचपन में आया था शायद, इतना पक्का पक्का याद नहीं, लेकिन आया था मैं यहाँ पे एक बार। देख लो दिस इज द टेम्पल, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि सुदामा जी का टेम्पल क्यों बना, लेकिन है। तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मंदिर से यहाँ पे लगा, इट्स सुदामा जी का लखचौरसी परिक्रमा, लेकिन ठीक है, सब ट्राई कर रहे हैं तो करने को सोच क्या है कि अपने को ये करना है। हम देखने हैं कि हमको ये देखना है, ये परिक्रमा अगर आप आओ तो आप एंजॉय कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिफरेंट, लाइक बहुत सारा कहानी है इसके पीछे, मिथ भी है, बहुत सारा चीज भी है। तो पसंद है वापस से मनुष्य में आना, तो ये वाला परिक्रमा उसके लिए है। बाकी जो चाहते हैं अलग अलग वैरायटी, घोड़ा बनना है, बाज कुमा बनना है, वो तो वही बिंदास रहो, ठीक है।
पब्लिक, लुक एट दिस मार्केट। इतना पुराना पुराना बिल्डिंग है यहाँ पे, ऐसा कोई नया बिल्डिंग लग ही नहीं रहा है। बस सत्य, अहिंसा और अनुशासन। पहले तो भूख लगी है, खाने जाना है, दबा के खाना है। बड़ा ही ह्यूमंगस थाली था हमारे सामने, सारी चीजें लाके रख दिया, बोला खाना उतना खाओ। 80 रुपीज अनलिमिटेड पर पर्सन इन पोरबंदर, बॉम्बे करके जगह थी। छकड़ा राइड का रील देखा आपने? देखा ही होगा, इंस्टाग्राम खोलो तो पता लगे छकड़ा चलाया था, तो रील भी बनाया था, मजा आया था हमको। सौरभ का खांसी बढ़ता जा रहा है, उसका गला खराब हो गया, बहुत गंदा वाला ड्रिंक धमजा, पता नहीं क्या क्या पिया है, लाइक ही इज अ फैन ऑफ द फास्ट फूड का। तो सिटी हम छोड़ चुके और यहाँ पे अच्छे खासे रेगिस्तान और दरिया के साथ रोड हम आ चुके दोस्तों, हम आ चुके। ओह, एक बार बाहर जाके देखो।